हाय गाइस, क्या जानते हैं टाटा हैरियर और टाटा सफारी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हैं जो लैंड रोवर से डिराइव हुआ है। आज हम टाटा सफारी और टाटा हैरियर का कंपैरिजन करने वाले और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी एसयूवी किस सिनेरियो में ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये वीडियो हमारे बाकी सभी वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि किसी एक वेरिएंट के स्पेसिफिक कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट के कंपैरिजन होगा। इसलिए जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या हमें ये नया कंपैरिजन मेथड को कंटिन्यू करना चाहिए या पुराना ही ठीक था, या दोनों को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अब हम कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। इन दोनों के लुक्स के साथ दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी बोल्ड और मैच्योर लुक मिलता है। अगर फ्रंट की डिफरेंस की बात करें तो फ्रंट में एक मेजर डिफरेंस आता है ग्रिल में। सफारी में आपको क्रोम ग्रिल मिलेगा, वहीं पे हैरियर में आपको ब्लैक्ड आउट ग्रिल मिलती है। सफारी की ग्रिल थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, तो वहीं पे हैरियर की ग्रिल ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। इसके अलावा फ्रंट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। वहीं अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस आपको फील होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज तो यह है कि सफारी की लेंथ हैरियर से लंबी है, क्योंकि सफारी में आपको थर्ड सीट की भी स्पेस प्रोवाइड करनी होती है, जिसकी वजह से सी पिलर के बाद आपको थोड़ा डिजाइन चेंज मिलता है। इसके अलावा दोनों एसयूवी में आपको सेम साइज के व्हील्स नहीं मिलते हैं। हैरियर में आपको 17 इंच के ही व्हील मिलते हैं, जबकि आपको सफारी में 18 इंच के व्हील मिलते हैं, मतलब सफारी का व्हील साइज बड़ा आता है। साथ ही में सफारी में आपको रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है जो हैरियर में नहीं मिलता। इन शॉर्ट, एक्सटीरियर में इतने चेंजेस तो हैं जो आपको इन दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। अब अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि सफारी में आपको 7 सीटर और 6 सीटर का भी ऑप्शन मिलता है, जबकि हैरियर में आपको केवल 5 सीटर ही मिलता है। सफारी के 6 सीटर में आपको सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलते हैं, वहीं 7 सीटर में आपको नॉर्मल बेंच टाइप सीट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल चेंज है वो ये है कि आपको सफारी में वाइट कलर की सीट्स मिलते हैं, ऑफ वाइट, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं उन्हें मेंटेन करना, जबकि हैरियर में आपको ब्राउन सीट्स मिलते हैं। साथ ही में आपको डैशबोर्ड में भी कलर चेंज मिलता है। जैसे सफारी का आपको ज़्यादा ब्लैकिश डैशबोर्ड लगता है, तो वहीं पर आपको हैरियर में थोड़ा ब्राउन कलर का लुक मिलता है। ये तो वो एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक्स में आपको क्या डिफरेंस मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आपको फीचर्स क्या एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सफारी में हैरियर के मुकाबले। तो सफारी के लास्ट रो आपको सबसे बड़ा फीचर है, साथ में आपको लास्ट रो में एसी वेंट्स मिलते हैं, चार्जिंग पॉइंट मिलता है, बॉटल होल्डर मिलता है। ये सारे फीचर्स हैं जो आपको लास्ट रो में मिलते हैं। अगर ओवरऑल फीचर्स की बात करें जो सभी पैसेंजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या ड्राइवर के लिए होते हैं, तो उसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, ये आपको हैरियर में नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है जो ऑटो होल्ड के साथ आता है, जबकि हैरियर में आपको कन्वेंशनल हैंड ब्रेक ही मिलता है। इन सब के अलावा एक और काफ़ी बड़ा फीचर मिलता है, वो है कनेक्टेड कार। कनेक्टेड कार के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी कार अभी कहाँ है, उसे लॉक कर सकते हैं, उसे अनलॉक कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। अभी तक आपको लगने लगा होगा कि हैरियर में फीचर्स की कमी है, इसलिए आप सफारी को कंसिडर करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हैरियर और सफारी दोनों में काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स मिलते हैं, जैसे 6 एयरबैग, पैनोरामिक सनरूफ, लेदर अपहोल्स्ट्री, 14 ESP मोड्स, मतलब दोनों गाड़ियों में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। हाँ, सफारी में आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स ज़रूर मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ता है। अब खर्चे की बात की ही है तो इन दोनों के प्राइसेस की बात करते हैं। तो हम आज ओवरऑल कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको वेरिएंट टू वेरिएंट स्पेसिफिक नंबर नहीं मिलने वाला, बट अगर ओवरऑल देखें तो हर वेरिएंट के लिए आपको 1 लाख का एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है सफारी के ऊपर, फिर वो बेस वेरिएंट हो या टॉप वेरिएंट। हाँ, कुछ वेरिएंट में प्राइस डिफरेंस शायद थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, पर मेजरली 1 लाख का डिफरेंस रहता है। अब ये 1 लाख के लिए आपको मेजर में मिलता क्या क्या, तो 2 एक्स्ट्रा सीट मिलते हैं, 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक, कनेक्टेड कार और आपको वाइट अपहोल्स्ट्री मिलती है। तो अब फाइनल बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो 1 लाइक तो बन गया,
और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम अलग अलग पैरामीटर की बात करते हैं कि आपको कौन से पैरामीटर के हिसाब से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। पहला पैरामीटर तो है कि आप एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए सफारी को खरीद लें, लेकिन जो दूसरा पैरामीटर आता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है कि आपको यहाँ पे दो एक्स्ट्रा सीट मिलते हैं। अगर आपको कभी 5 से ज़्यादा लोगों के साथ ट्रैवल करना है तो ये सीट्स काफ़ी कम आते हैं। सफारी में आपको रियर सीट्स को फोल्ड करने के बाद हैरियर से भी ज़्यादा बूट स्पेस भी मिलता है, और हैरियर को आप उसको 5 सीटर से ज़्यादा की तरह यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सफारी में आप सीट फोल्ड करके उसको 5 सीटर की तरह आराम से यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आपको काफ़ी बड़ा बूट मिलता है। मतलब अगर आप ज़्यादा सामान लेकर ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी सफारी में आपको ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको हमेशा एक या दो लोग के साथ ही ट्रैवल करना होता है और ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि आपको 5 से ज़्यादा लोग कभी नहीं मिलने वाले हैं, तो उस सिनेरियो में हैरियर भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपके 1 लाख रुपीज़ बच जाते हैं। और ये जो फीचर्स मिलते हैं ये कोई ऐसे फीचर्स नहीं है जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ये ज़्यादातर लग्जरी फीचर्स में ही कंसिडर होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।